हेलो दोस्तों, आप सबों का शशि भाई जी यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो कैसे आप लोग, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाल जीवन में रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे होंगे। आज है रक्षाबंधन गाइस, और देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, कितनी हरी भरी है हमारे गाँव में। तो चलिए, हमारे यहाँ भी जो है मेरी सिस्टर आई हुई है गाँव से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने। तो रात में जो हम यहाँ पे छत पे कुर्सी लाए हुए थे बैठने के लिए, तो कुर्सी छत पे पड़ा हुआ था, तो इसे सबसे पहले रख लेता हूँ। और आज ऐसा सुनने को आया है कि रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है गाइज 7:09 तक ही है सुबह में, क्योंकि कल रात से ही रक्षाबंधन का मुहूर्त चालू हो गया है 9 बजे से। तो अभी जल्दी से सारा काम हमें भी निपटना है, बहन भी जग चुकी है और वो भी जो उसका है साफ सफाई नहाना धोना वो कर रही है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप कई वीडियो में देखे होंगे, इससे पहले भी जो हमारा बत्तख है, जो हमने बत्तख पालन किया हुआ है, इसको सब खोल देता हूँ कि बेचारा इधर हम लोग लग जाएंगे रक्षाबंधन मनाने के लिए और यहाँ ये लोग भूखे न रह जाए। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा बत्तख का हमने चूजा लिया था, अब कितना कितना बड़ा हो गया और देखिए कैसे आवाज दे रहा है। और एक चीज दिखाऊंगा आज यहाँ पे, देखिए हमने अंदर इसका सारा कुछ जुगाड़ कर दिया है, ग्रीन तिलपार से घिर के हमने घर बना दिया है। और साइड में देख पा रहे छोटा सा यहाँ पे हमने इसको पोखर तालाब टाइप का भी बना दिया है। खाना यहाँ पे इसको हम इस वाले इसमें देते हैं, यहाँ पे देखिए भात सब पड़ा हुआ है, ये देख पा रहे हैं थोड़ा सा कटौती है इसी में, इसको भी ले जाएंगे हमारे घर के जो आगे नदी है उसमें, क्योंकि अगले वीडियो में आपने देखा था कि हमारे गाँव में बारिश आने की वजह से कितनी पानी हो गई है, तो इसको लेके जाते उसी पानी में छोड़ेंगे। चलो भाई आ जाओ आ जाओ, ठीक, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहाँ पे निकलते वो लोग भात खाने लगा है, क्योंकि पूरे रात का भूखा है ना, इसको ले जाएंगे चराने के लिए। लेकिन आ जाओ आ जाओ, ठीक, चल आ जाओ आ जाओ, ठीक, चल 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 आ जाओ आ जाओ, ठीक, चल 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 चलो चलो चलो। अब इसको पीछे से हवा खाना पड़ा, इधर चलो इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, चलो 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 चलो। ये देखिए आए हम बाराती, बारात लेके चल दिया, बारात लेके। तो चलेगा जिसे लेके जाते हैं हम, पहले नदी में छोड़ के आते हैं। तभी जो फिलहाल जितना पानी था पानी कम हो चुका है, आप देख पा रहे हैं इसमें, इसको 1-2 घंटा छोड़ देंगे तो पूरा लोग का पेट भर जाएगा, तो अपने आप फिर आना पड़ता है 2-3 घंटा के बाद इसे ले जाने के लिए घर में। और मौसम देखेगा हमारे गांव का, बारिश के बाद धान की खेती का क्या हाल हुआ है। सूर्य देवता भी अपनी लाली माँ छोड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, और बहुत ही सुनहरा मौसम है इधर का हमारे गांव का। देखिए जैसे इसको पानी में छोड़ा हो तो कैसे एकदम पानी का जो भी कीड़ा सब रहता है उसको बना रहा है अपना आहार। तो चलिए गाइस, इधर का सीढ़ी तो हो चुका है क्लीन, अब हम पूरा रूम को साफ करके फिर आप सबों से मिलते हैं। और गर्मी कितने देख पा रहे हैं, गर्मी की वजह से पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। तो दोस्तों सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक बोतल में हमने दवाई बनाया हुआ था, ये दवाई मैं पर डे पीता हूँ और इसका नाम है कुटकी चरोता। ये पीने में बहुत ही, जिसे तीतापन बोलते हैं ना, जैसा करेला का स्वाद रहता है उससे भी मतलब 3 गुना 4 गुना ये तीता रहता है, और ये इसके लिए हम पीते हैं ताकि हमारा ब्लड जो हो साफ हो, और दूसरी बात ब्लड सर्कुलेशन को ये बनाने में बहुत ही मदद रखता है। ये जड़ी है और इसको जो है हम रात में ही पानी में देख पा रहे हैं, बोतल इसमें शीशा का बोतल में पानी भर के उसमें भिगो देते हैं, और सुबह सुबह फिर इसको ग्लास में लेके या तो चाय छन्नी या फिर किसी सूती कपड़ा से छान के इसका जो जड़ी रहता है जो इसको हम भिगोते हैं उसको निकाल देते हैं, और उसका पानी को हम पर डे पीते हैं। ये मैं लगभग रखिए जो 1 साल से रेगुलर कंटिन्यू पी रहा हूँ, जिससे क्या रहता है गाइज, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा बदन में फुंसी वगैरह आते रहता है या
चेहरे पे ऐसा झाइयाँ वगैरह आते रहता है, तो ये चीज़ पीने से बहुत ही मतलब खून जो है ना साफ़ होता है, और खून साफ होने के कारण से आपको मालूम है कि शरीर में कितनी फायदाएँ होती है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू पीता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे चाय छन्नी नहीं मिला, तो मैंने सूती का रुमाल रख दिया ग्लास पे और उसके ऊपर इसको छान के इसका जो भी हिस्सा था जिसे हमने पानी में डाला था उसको यहाँ पे रख दिया हूँ। ये देखिए ये कुटकी चरोता ये जड़ी, और इसे इसका जो पानी है मैं यहाँ पे अब देखिए कुछ इस तरीके से इसका कलर होता है गाइस, पूरा लाल कलर होता है और अच्छे से नहीं से दिख रहा था तो मैं लेके आया आपको बाहर में, और जैसे कि देख पा रहे हैं कैसा एकदम पूरा लाल में काला और लाल का इसका रहता है कलर। उसको बैठ के यहाँ पे मैं पीऊंगा, और जिस टाइम पीऊंगा तो मेरे मुंह का इंप्रेशन देखिए कैसा आ जाता है, मतलब इतना तीता लगता है कि क्या ही बोले आपको। और यहाँ पे गाइज मैं देखिए माइक लगा रखा हूँ बोलने के लिए, बट मेरी जो है माइक चालू नहीं थी, इस वजह से आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैंने फिर से बैकग्राउंड से आवाज़ भरा है इसमें। और मेरी दवाई पूरी हो जाने के बाद जब हमने कुटकी झरोता का पानी पी लिया, तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी वाइफ भी आ गई है घर का काम करने के बाद, जो इनका चूल्हा का काम था, चूल्हा का मतलब जो राख रहता है, रात में खाना बनाई थी तो उसको यहाँ पे कर रही है सफाई, और उसको भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरा माइक ही चालू नहीं हो कारण से यहाँ पे आवाज़ गाइज रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और फिर सारा कुछ होने के फ्रेंड्स अभी बाद जस्ट मैं नहा के आया हूँ, और बत्तख को तो हमने डाल दिया है नदी में, बट वहाँ पे देख पा रहे हैं हमने कबूतर पालन जो किया हुआ है उसको चाहिए दाना, तो सब नीचे उतर चुका है, उसे चलिए दाना दे के आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा कबूतर, और इस साइड में हमारा घर का जो है सेंटरिंग का काम चालू है जो कि ढलाई होने वाला है। दी 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 दी। अब आएगा सब अपने आप नीचे दाना खाने के लिए, कुछ इधर बैठ गया है देख पा रहे हैं, और कुछ इस साइड में बैठा हुआ है यहाँ पे ऊपर में, जब तक खा लेता है कबूतर दाना तब तक हम चलते हैं छत पे। छत पे कुछ काम है क्योंकि अब सभी घर के लोग भी तैयार हो चुके हैं रक्षाबंधन करने के लिए, बहन भी नहा धो के तैयार हो चुकी है, वाइफ भी नहा धो के तैयार हो चुकी है, और ये जो है हमारा पानी हमने लाया है, हमारा घर के ऊपर जो हमने थोड़ा सा फूल लगाया हुआ है ना उसमें पानी डालना है गाइस। तो ये रहा हमारा फूल का बगीचा, देखिए जिस तरीके से सुबह सुबह पानी डाल देने से ना, ये बरगद का पेड़ लगाया था बरका, बट देख पा रहे थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। यहाँ पे देखिए सारा कबूतर, हम जैसे ऊपर में आए तो सारा का सारा कबूतर इस जगह पे आके दाना खा के अपने अपने घोंसला में घुस रहा है। ये बस मिर्ची का जो दो झाड़ हमने लगाया हुआ है गाइस, ये इधर का छत के ऊपर का लास्ट है, इसमें खर पतवार भी होगा, इसको निकालना पड़ेगा, तो अभी तो टाइम नहीं है, कभी इसको साफ करेंगे। और जो बचा हुआ पानी है सारा का सारा ये गोदावरी फूल में डाल देते हैं, ये भी देख पा रहे मौलाने लगा है पानी की वजह से, बिना पानी के। चल भाई तू पी ले पूरा पानी। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो रात में हम सोए हुए थे तो हमारा पूरा बिस्तर जिसे हम शबनम बोलते हैं शीत की वजह से गीला हो गया था, तो इसलिए थोड़ा इसको धूप में छोड़ दिए थे सूखने के लिए, तो ये सूख चुका है, इसे मैं समेट लेता हूँ। तो यहाँ का सारा बिस्तर उठा के गाइस हमने यहाँ पे फोल्डिंग करके रख दिया, क्योंकि हम वो नहीं सूट कर पाए, बड़ा वाला ट्राइपॉड मेरा नीचे था तो छोटा वाला ट्राइपॉड से ही अभी बना रहे हैं। चलिए अब हो जाते हैं तैयारी, उधर से आवाज़ लगा रही है राखी बांधने के लिए, तो हो जाते हैं अब तैयार फटाफट। और हम घर के सभी सदस्य ने गाइस पूरा काम निपट के यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार जो है उसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मना रहे हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई है अपने इससे ससुराल से, साइड में मेरी भांजनी बैठी हुई है और मेरा छोटा बेटा तृप्ति बैठा हुआ है, हमें जो है बहन यहाँ पे तिलक कर रही है। लेकिन गर्मी इतनी थी गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि रक्षाबंधन के दिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि क्या ही बोले। लेकिन गाइस क्या करे, काफ़ी सारा कुछ घर पे काम चालू है जिस कारण से मैं रक्षाबंधन के दिन वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप लोग फिर भी अपना अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा हमारे इस रक्षाबंधन ब्लॉग को। और सिस्टर यहाँ पे देख पा रहे राखी बांधने के बाद मेरी आरती उतारे और हमें यहाँ पे पैर मेरे छू के मेरे से आशीर्वाद ले रही है, मैंने भी इनको अपना मतलब ये घुमाया जो रहते हैं भाई बहन का, फिर यहाँ पे मुझे बहन खिला रही है मिठाई। और इसके बाद जैसे मिठाई खा के हो जाता है तो फिर से मैं भी यहाँ पे बहन को जो है तिलक और
चंदन लगाऊंगा, जो कि मतलब आजकल ये परंपरा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, बट आजकल ऐसा कि भाई को राखी बांधने के बाद बहन को भी माथे में इस तरीके से तिलक लगाया जाता है, ताकि बहन की उम्र लंबी हो, उसे जीवन में कोई तकलीफ ना हो इस वजह से। तो यहाँ पे उस रस्म को मैं पूरा कर रहा हूँ, और मेरा छोटा वाला बेटा और भांजनी देखिए किस तरीके से देख रही है कि मामा जी क्या मतलब लगा रहे हैं मम्मी को। उसके बाद यहाँ पे मेरी जो भांजनी है उसको भी यहाँ पे मैं तिलक लगा रहा हूँ, और मेरा छोटा वाला बेटा जो तृप्ति है उसको भी यहाँ पे मैं तिलक लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा सा हमने फोटो शूट किया है, तो उसी का ये वीडियो है। तो आज का ये रक्षाबंधन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज। आपको पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।